अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जाली जाली सेस किचन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ग्रेवी तवा चिकन रेसिपी। ग्रेवी तवा चिकन रेसिपी बनाने के लिए हमें सारा सामान रेडी करके आप देख सकते हैं। एक किलो हमने चिकन लिया है, ये हमारे मसाले हैं, तीन टमाटर की प्यूरी है जिसे हमने पीस रखा है, दो बड़े साइज़ के प्याज लिए जिन्हें भी हमने पीस रखा है, सात से आठ काजू जिन्हें हमने गर्म पानी में भिगो रखा है, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। पहले अपने चिकन में हम कट लगा लेंगे। ये देखिए चिकन के हमने बड़े बड़े पीस हम कट लगा लिए हैं। अब अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे, लहसुन अदरक डालेंगे, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे, वन फोर्थ चम्मच हल्दी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए चिकन हमने मैरिनेट कर लिया है, इसे 15 मिनट के लिए हम रख देंगे। ये काजू है, इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए काजू का पेस्ट भी रेडी है। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा कप ऑयल डालेंगे, ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। एक बड़ी इलायची डालेंगे, दो हरी इलायची डालेंगे, चार से पांच लौंग डालेंगे और सात से आठ काली मिर्च डालेंगे, एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, जीरे को तड़कने देते हैं। अब अपने प्याज भी ऐड कर देंगे। ये देखिए प्याजों को हमने मिक्स कर दिया है, अपने प्याजों को हम ब्राउन होने देते हैं। ये देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो गई है, अब हम मसाला ऐड करेंगे। डेढ़ छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। वन फोर्थ चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। टमाटर प्यूरी डालेंगे, अपने टमाटर प्यूरी चार से पाँच मिनट के लिए भून लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए मसाला हमारा भुन गया है, काजू का पेस्ट डाल देंगे, इसे भी एक मिनट के लिए भून लेंगे अपने मसाले के साथ। ये देखिए मसाला हमारा भुन गया अच्छी तरीके से। अब अपना चिकन ऐड कर देंगे। अपने चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए चिकन हमारा भुन गया है, तेल छोड़ने लगा है। अब अपने चिकन में पानी ऐड करेंगे। पानी आप ग्रेवी के हिसाब से डालें, हमने 1 कप पानी डाला है।
अब अपने चिकन को ढककर 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे धीमी गैस पर। ये देखिए चिकन को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। थोड़ा सा बटर डाल देंगे। आप बटर की जगह घी भी डाल सकते हैं, वाइट मक्खन भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब अपना हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। ग्रेवी तवा चिकन रेडी है। हमारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। बनाए हमारे तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपने चिकन को हम सर्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।